मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित लोदीपुर राजपूत ग्राम पंचायत के पंचायत सचिवालय सभागार में ग्राम चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान चंद्रपाल सिंह ने की। कार्यक्रम का संचालन पंचायत सचिव महेंद्र सिंह ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने पहुंचे एडीओ पंचायत अमोद कुमार शर्मा द्वारा ग्रामीणों की शिकायतों को सुना गया और उनके निस्तारण की बात कही गई। आपको बताते चलें, गांव की समस्या का गांव में ही समाधान किए जाने के उद्देश्य को लेकर ग्राम पंचायतों में चौपाल कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर गांव लोदीपुर राजपूत के पंचायत सचिवालय में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों द्वारा ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के सामने अपनी समस्याओं को रखा गया और उनके समाधान पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में हल्का लेखपाल एवं जलकल विभाग के अधिकारियों के साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां, स्वास्थ्य विभाग से आशा एवं भारी संख्या में ग्रामीण महिलाएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एडीओ पंचायत अमोद कुमार शर्मा ने कहा, ये लोदीपुर राजपूत है, विकास खंड वाराणसी पंचायत है ये, और यहाँ पर ये आज ग्राम चौपाल है, निर्धारित कार्यक्रम है, जिला स्तर से निर्धारित है दिनांक। और हमारे साथ एडीओ आईएसबी श्री मदन पाल जी हैं, जल निगम से हैं लेखपाल जी हैं, स्वास्थ्य विभाग से हैं हमारे सचिव, हमारे माननीय प्रधान जी उपस्थित हैं और रोजगार सेवक यहाँ पर उपस्थित हैं। किन बिंदुओं पे आप जानकारी दे रहे हैं? देखिए, ग्राम पंचायत जो है, ये चौपाल जो है, ये दोनों ही पक्षों से संवाद होता है इसमें। जो हमारे ग्रामवासी, उन्हें अगर किसी तरह की परेशानी है, कोई शिकायत है, कोई जरूरत है, तो वो अपनी बातें यहाँ कहेंगे और यहाँ से उनका निस्तारण करने का। शहजाद अली जी ने चौपाल में, इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर फैक्ट्री और बड़े बड़े स्कूल हैं, इन्होंने इनके यहाँ जो पानी यूज़ होता है, जो वेस्ट वाटर है, ब्लैक वाटर या ग्रे वाटर, उसको ज़मीन में बोरिंग करके ज़मीन में सप्लाई कर रही है। इनका कहना है कि इससे हमारा पानी गंदा हो रहा है और हमारे नलों में जो है गंदा पानी आने लगा है, इस चीज़ की जाँच कराने की बहुत आवश्यकता है। और एक ये नन्हे सिटी, इन्होंने कहा है कि भाई रास्ते, इनके खेत को जो है रास्ता नहीं है। यहाँ लेखपाल जी हमारे उपस्थित हैं, उनसे निवेदन किया है हमने कि कृपया जो है मौके पर जाकर के और अपने अभिलेखों के आधार पर जो भी हो सकता है निदान इसका करें। तो और हमारे सभी उपस्थित लोगों ने, यहाँ जल निगम के हमारे साथी आए हुए हैं, सभी ने अपनी अपनी बातें, जो जानकारियाँ दी जाने वाली थी ग्रामवासियों को, वो बताई हैं। और उन जानकारियों में विशेष तौर से गाँव वालों से ये उम्मीद की गई है कि आप इन प्राथमिक विद्यालय में, उच्च प्राथमिक विद्यालय में अपने बच्चों को भेजें और उनको जो है बीच बीच में रोके नहीं, नियमित रूप से भेजें। और इसके लिए अपने बच्चों के विद्यालय में जाएं और जो अभिभावक बैठक होती है या अन्य दिनों में भी जाएं और देखें कैसा शिक्षण कार्य हो रहा है। बच्चा आपका बार बार तो स्कूल नहीं छोड़ा, कुछ घंटे तो कुछ नहीं कर रहा, तो आप अच्छे अभिभावक बने, ऐसा हमने निवेदन किया है। इसके साथ हमने ये भी बताने का प्रयास किया है कि आपको अपनी ज़रूरतों की चीज़ें, जैसे फौजी दर्ज कराना, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पंचायत ग्राम पंचायत से जो है परिवार रिश्ते की नकल, आवास निर्माण, शौचालय निर्माण, नाली निर्माण, गांव में पानी सफाई की व्यवस्था, इन सब चीज़ों को हमने बताने का प्रयास किया है विस्तार में। कार्यक्रम के बाबत जब ग्राम प्रधान चंद्रपाल सिंह से बात की गई, तब उनके द्वारा बताया गया। प्रधान जी, आज कौन सा कार्यक्रम हुआ है और क्या संदेश देना चाहेंगे आज? आज हमारे सरकार की तरफ से, जैसे गांव-गांव में चौपाल का प्रोग्राम रखा है, जिसमें विकास अधिकारी उपस्थित होते हैं। आज हमारे यहाँ चौपाल का जो प्रोग्राम हुआ है, उसमें एडीओ पंचायत श्री आलोक कुमार शर्मा जी उपस्थित हैं, जल निगम से भी हैं और लेखपाल भी हमारे क्षेत्र के उपस्थित हैं, निगम बिल्लो। तो आज चौपाल का प्रोग्राम में स्वास्थ्य संबंधी और जो भी गांव की समस्या है उसके बारे में बताया गया। सबसे पहले अधिक जानकारी जल निगम वालों ने, एक टंकी का प्रस्ताव जो गांव में है वो पास हो गया है और हर घर में स्वास्थ्य जल योजना के अंतर्गत 450 फीट की टंकी का पानी हर गांव वासियों को दिया जाएगा, जिससे उनके स्वास्थ्य में कोई बीमारी न फैले। क्या कहना चाहेंगे अपने गांव की जनता से, आने वाले दिनों में कौन कौन सी चीज़ें और लेके आ रहे हो आप? आने वाले समय में गांव वासियों को एक तो पानी की समस्या
और गैस की समस्या थी उसकी भी हमने पाइपलाइन बिछा दी गई है और गांव में निश्चित रूप से 200 सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं जो नाले रास्ते को बिल्कुल साफ रखते हैं। मैं रखने में हम पूरा सहयोग गाँव वासियों का कर रहे हैं और स्कूल में स्कूल की साफ सफाई में भी हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। मिड डे मील का खाना हमारी तरफ से बहुत अच्छा बच्चों को दिया जा रहा है। सोमवार के दिन केले और बुधवार के दिन हर बच्चे को दूध दिया जाता है जिससे कि उनके स्वास्थ्य में कोई कमी ना हो और कोई बीमारी ना फैले।